डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ, वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मींस नो। इतना समझता तो तू बार बार आता है। 4 महीने क्यों जॉन है शांत? दीपिका की मूवी से कौन सी पिक्चर्स हुई रिवील? ग्रीक गॉडेस का इवन हॉटर अवतार देखा आपने? क्यों जॉन है शूट के दौरान शांत? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। SRK की आ रही अपकमिंग मूवी पठान आजकल हो रही है काफी सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार। मूवी के शूट के दौरान हाल ही में शाहरुख और दीपिका की काफी पिक्चर्स भी सेट से लीक हुई है। अब कुछ लोगों के हिसाब से ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है ताकि मूवी और लाइमलाइट में आने का मौका मिल सके, लेकिन अकॉर्डिंग टू SRK फैंस ये बस मूवी और एक्टर्स का बदनाम करने का तरीका है। पर फिलहाल जो पिक्चर्स देखने में आई है उनमें हमारी गॉर्जियस शांति हॉट बिकिनी में बोल्ड लुक में नजर आ रही है। पिक्चर्स को देखकर फैंस ऑलरेडी दीपिका पादुकोण के इस लुक को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। गहराइयां के बाद वैसे भी बी टाउन की मस्तानी ने काफी लाइमलाइट हासिल कर ली है और उसके बाद पठान के सेट के लीक हुए पिक्चर्स में उनके इस फेम को और ज्यादा राइज कर दिया है। होने को हो सकता है कि दीपिका लिए कोई ट्रिक अपने फैंस को अट्रैक्ट करने की और मूवी को और ज्यादा स्प्रेड करने की हो, बट हू नोस। हमें जो भी पता चलना है वो पता चलेगा मूवी आने के बाद ही। आखिर सच में मूवी में कुछ खास बात है या सिर्फ एक्टर्स का प्रोपेगेंडा है? बट इन सारी बातों में एक बात जो फैंस कुछ अजीब लगी वो है जॉन इब्राहिम का शांत रहना। असल SRK की पिक्चर्स देखी गई और दीपिका की भी पिक्चर शूट के दौरान लीक हुई, लेकिन अगर ये कोई स्टंट है तो जॉन क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट, और अगर नहीं भी है तो क्यों लीक नहीं हो रही है इनके पिक्चर्स? इसका जवाब कुछ फैंस ने ऐसा भी दिया कि हो सकता है कि जॉन सीधा अपनी परफॉर्मेंस से ही इस बार करेंगे ऑडियंस को इम्प्रेस और इसीलिए वो अभी शांत है। बट अगेन हम अभी किसी भी बात की कंफर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि किसी भी स्टार ने कोई भी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि हम बस कुछ कर सकते हैं तो वो है इंतजार, इंतजार और इंतजार अपडेट्स का और इंतजार मूवी रिलीज होने का। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रेश अपडेट्स ओनली ऑन बॉलीग्राड स्टूडियोज। और इसी के साथ हम आज का वीडियो करते हैं एंड, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।